ये सिलसिला आलिया कादरिया शरीफ, ठीक है जी, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु और मुरीद हैं हमारे आका करीम अलैहि सलातो वसलाम के हैं। हाय हाय कुर्बान जाऊं रदी हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अगर कोई बात होती तो कभी रिवायत न करते। हाय हाय जरा मोहब्बतें देखो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन माअहु अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम, वो ऐसी कोई बात थी नहीं हजरत, इसके रावी जनाबे सिद्दीक अकबर हैं। अगर कोई बात होती कभी रिवायत ना करते। आप फरमाते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से, ए अली मैंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते हुए सुना है कि मेरी बारगाह में अली का मुकाम वो है जो मेरा मुकाम अल्लाह की बारगाह में है। हाँ हजरत, अगर ऐसी कोई बात होती कभी ये रिवायत ना करते हजरत। हाँ आगे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद खास हैं हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आगे उनके मुरीद हैं हजरत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए लिखा है कि हजरत का इब्तदाई हाल कुछ ठीक नहीं था। हाँ आपको कुछ सूद का मामला था, ठीक है जी, फिर अल्लाह ने हजरत को तौफीक तौबा दी और आपने इमाम हसन बसरी के दस्ते पाक में तौबा की है। और तौबा भी मेरे यार दिन की थी, जी महफल भी जानते नहीं है। बाबा फरीद कहते हैं ना, कैसी तौबा हो है यार, तौबा लटके आ तू इसका, तौबा बेच तू उम्र वे आई, तौबा दी तेन समझ नहीं आई, नहीं हजरत पक्की तौबा ता दमे आखिर तक अपनी तौबा पर कायम और दायम रहे। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ हजरत जी, ये तौरात में लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है जी तौरात में लिखा है, हजरत फुदैल बिन अयाज जो कि पहले डाके मारा करते थे, आपने जब तौबा की ना हजरत, तो आपको शेख ने हुक्म दिया, ये तरबियत थी उनकी, आपने फरमाया भाई जो उधर के मामले हैं वो तो माफ हुए, तो जो लोगों को सताया वो जाके लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। अब जिसके पास गए ना, किसी ने डर के माफी दे दी, किसी ने इसी तरह दे दी, एक यहूदी था उसने कहा मैंने नहीं देनी, पहले 12 साल मेरी खिदमत कर, अब फिर माफी दे देगा ना, उसने कहा दे दूंगा। हजरत ने 12 साल उस यहूदी की खिदमत की, जब 12 साल पूरे हो गए ना तो हजरत ने फरमाया फलां जगह पत्थरों का एक ढेर लगा है, उठा उसमें एक थैली है उसमें सोना है जा ले गया। हजरत वहां गए तो वाकई तक पत्थरों का ढेर लगा था, हजरत ने वो पत्थर उठाए, अंदर से एक थैली निकली, आपने नहीं उसको खोला, जब लेके यहूदी के पास आए ना तो यहूदी ने जब थैली को खोल के उंडेला ना तो उसमें से सोने के टुकड़े गिरे, वो हजरत के कदमों में गिर के रोने लग पड़ा और कहता है फुदैल मुझे भी कलमा पढ़ाओ। आपने फरमाया भाई मैं तुमसे अपनी माफी मांगने आया हूँ, तो मुझे कह रहा है मुझे कलमा पढ़ाओ। तो यहूदी कहता है हमारी तौरात में लिखा है कि जब कोई मोहम्मदी सच्ची तौबा करेगा, हैं? जब कोई मोहम्मदी सच्ची तौबा करेगा, अरे अगर मट्टी को हाथ लगाएगा तो सोना कर देगा। मैंने ये चेक करने के लिए कि तेरी तौबा कच्ची है कि पक्की है, इस थैली में मैंने मट्टी के ढेले रखे थे और देख फुदैल तूने हाथ लगा के इनको सोने का कर दिया है। आज हम इस सोने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे, ओए ओ मोहम्मद अरबी अलैहि सलातो सलाम से वफा करके तो देखो, और चले हो जिसको हाथ डालोगे उसको भी सोना कर दोगे, हैं? हाथ तो लगाओ हजरत। ये कशुल मजूब शरीफ हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शिद हजरत शेख अबुल फजल खुद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत लिखते हैं, ये मेरा सूट है ना ब्लू कलर का, अगर कहीं से फट जाए तो उसको पैबंद लगाऊंगा, ठीक है, फिर फट जाए तो फिर पैबंद लगाऊंगा, फिर फट जाए तो फिर पैबंद लगाऊंगा। दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं मेरे शेख के कपड़ों को इतने पैबंद लगे थे कि पैबंदी पैबंद रह गए थे, असली कपड़ा ही खत्म हो गया था। हजरत शेख अबुल फजल खुद अली रहमतुल्लाहि, और आप दाता साहब में लिखते हैं अपने पीर भाई के हवाले से, कहते हैं हुआ क्या कि वो सुबह के वक्त ना नमाज फजर के बाद दरख्त के ऊपर चढ़ के पत्ते तोड़ रहे थे, तो क्या देखा कि उधर से हजरत शेख अबुल फजल खुद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ ला रहे हैं। भैया आप भी फजर के बाद दरख्त के ऊपर चढ़े हो तो पीर साहब आ जाए तो आप भी खुद को छुपा लेंगे। हाँ जी, पीर साहब ने एक कहना भाई दूसरे सिरे दरख्त चढ़ के की करने, कहते मैंने भी खुद को ना पत्तों में छुपा लिया, लेकिन जब पीर साहब मेरे करीब आए तो उनकी आवाज मेरे कानों में पड़ी और मैं समझ गया कि पीर साहब इस वक्त अपने हाल में नहीं है। इस वक्त मैं सादी जुबान में कहूंगा कि डायरेक्ट तार लगी हुई है। और अर्ज क्या करते हैं, मैं कशुल महजूब के अल्फाज सुना रहा हूँ आपको, अर्ज क्या करते हैं उस दरख्त के नीचे आके जिसके ऊपर दाता हुजूर के पीर भाई चढ़े हुए थे, वो कहते हैं कि जब हजरत दरख्त के नीचे आए ना तो हजरत की आवाज मेरे कानों में आई। क्या कहते हैं अल्लाह की